दिन में 3 बार पिए तेज पत्ते का पानी, 1 महीने के अंदर कम हो जाएगा बिल्ली फैट। हाय दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल अहद ब्यूटी वर्ल्ड में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा बेहतरीन ब्यूटी टिप्स। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। शरीर में जमे हुए फैट को निकालने के लिए आज हम आपको एक ऐसा देसी नुस्खा बताएंगे जिससे आपको वेट लॉस करने में आसानी होगी। अगर आप सब कुछ करके हार मान चुके हैं, तेज पत्ता और दालचीनी पानी जरूर ट्राई करें। यह पानी मात्र 2 सामग्रियों के साथ मिलकर तैयार किया जा सकता है। इसे नियमित पीने से पाचन क्रिया दुरुस्त होने के साथ ही संपूर्ण स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। घरों में मसाले के रूप में यूज किया जाने वाला तेज पत्ता वास्तव में शरीर का वजन मेंटेन करता है, जिसका मतलब है कि यह न तो वजन को बढ़ने देता है और न ही अधिक कम होने देता है। वहीं दालचीनी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को तेज करके चर्बी घटाती है। सबसे अच्छी बात है कि ड्रिंक आपको सारा दिन एनर्जी से भरे रखेगा। इस ड्रिंक को न सिर्फ मोटापा घटने वाले लोग बल्कि PCOD, डायबिटीज और थायराइड के मरीज भी ले सकते हैं। मोटापा कम करने की चाह रखने वाले इस पेय को कैसे बनाएं और किस समय इसका सेवन करें, आइए जानते हैं। वेट लॉस ड्रिंक बनाने का तरीका। 1 लीटर पानी, 2 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 3 तेज पत्ते। बनाने का तरीका। एक सॉस पैन में 1 लीटर पानी गर्म करें। एक बार जब इसमें उबाल आ जाए तब इसमें तेज पत्ते और दालचीनी डालें। 15 मिनट तक पानी को ढककर उबालें। गैस बंद कर दें। पानी को किसी कांच की बोतल में छानकर स्टोर कर लें। कैसे करें इस ड्रिंक का सेवन? तेज पत्ते के पानी को दिन में 3 बार पीना है। 1 बार सुबह खाली पेट, 2री बार दोपहर के भोजन के कुछ देर पहले और 3री बार डिनर करने के आधे घंटे के बाद। पानी को पीने से पहले हल्का गर्म जरूर करें। तेज पत्ता और दालचीनी का कॉम्बिनेशन शरीर के मेटाबॉलिज्म को एक शानदार तरीके से बढ़ाता है। यह पानी शरीर से गंदगी को बाहर निकालकर आपके शरीर में यूरिक एसिड के स्तर को भी कम करता है। इसे पीने से उच्च रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। तेज पत्ते वाला पानी पीने से अगर शरीर में किसी प्रकार की एलर्जी का लक्षण महसूस हो तो इसका सेवन बंद कर दें। गर्भवती महिलाएं इस पानी का सेवन करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।